सो हेलो एवरी वन वी आर बैक अगेन जितने भी बैंकिंग प्रोफेशनल्स है हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिडबी ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो नोटिफिकेशन के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा द क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस टू टू थ्री ईयर्स इन एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इफ यू आर हैविंग दिस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देन ओनली यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम दैट रिटर्न एग्जाम है नहीं बस इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन है जब इंटरव्यू की बारी आती है सो एवरी इज आस्किंग वन थिंग एंड नो बडी नो एनी प्लेटफॉर्म ऑन एनी वीडियो यू विल नेवर गेट प्रॉपर प्रीवियस ईयर ऑफ इंटरव्यू इन सिडबी ग्रेड ए एग्जाम सो दैट्स दर इन टूडे अबाउट वॉट आर द डिफरेंट क्वेश्चन विच आर आस्ट इन सिडबी ग्रेड ए इंटरव्यू ओके सो वी विल बी लुकिंग एट ऑल द क्वेश्चन इन पास्ट थ्री इयर्स 2020, 2021 ट्वेंटी वन ट्वेंटी 2022 तीन सालों में जितने भी हमें क्वेश्चन uh, मिले हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम उससे ये सोचने की या फिर कोशिश करेंगे कि किस तरह के पूछे जा रहे हैं और किस तरह से मुझे करना चाहिए अगर ऑल लेट सी एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन विच आर आस्ट इन पास इन यूर सिडबी ग्रेडे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम क्वेश्चन इन पास थ्री एंड दोस्त बी लुकिंग एट एंड विल ट्राइ टू एनालाइज

दे विल गाइड यू फॉ योर इंटरव्यू ऑल्सो एज वेल एज ग्रुप डिस्कशंस इवन फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशल सेशन ऑल्सो जिन लेक्चर्स में आपको कंसेपचुअल एज वेल एज सम एक्सपीरियंशल नॉलेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए भी और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी ओके okay? इसके और डिटेल्स हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सिडबी इंटरव्यू सिडबी इंटरव्यू नॉर्मली वी कैन कंपेयर धिस पर्टिकुलर इंटरव्यू राउंड विद रेस्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज नाब्ड कही कहिए ओकेस्टेंट मैनेजर जॉब प्रोफाइल से हमें क्या पता लगेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब सो एक ब्रीफली एक मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूं सिंपल इसपे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऑर्ग्यूमेंटिंग ऑर्ग्यूमेंटिंग क्रेडिट पेनेट्रेशन इन एम एस एम एक्टर आपका रोल ऑफकोर्स टू टू थ्री इज एक्सपीरियंस उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि में चाहिए और वो भी एमएसएमई एमएसएमई में तो माइक्रो फाइनेंस स्टार्टअप वेंचर कैपिटल सेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रेडिट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेजम्स अदर देन दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एंटरप्रीनरशिप प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज की इनपुट एज बिजनेस एनालिस्ट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओवरऑल मोटा मोटी ये बात हमें पता लगती है ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल They want a banking personnel who has two to three years job and who could carry out SIDB's role of lending and in the sector of MSME, microfinance, startup, venture capital uh, uh, sector, etc. etc. So, these whatever role is there according to this, now the interview is going to be shaped because here written exam is not there. So, the main thing here, the two stages are very, very important: your interview stage and your group discussion stage.

एम एस एम ए सेक्टर या फिर लेंडिंग में अगर आपने डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस है मे बी बैंक में में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी में तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रेडिट के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एंड दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आर फ्रॉम द इच सेक्शन तो ऐसे आप देख सकते हो अदर क्रेडिट्स के बारे में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोई भी टॉपिक उठा लो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके okay? स कंपनीज एक्ट ओके आर बी आई एक्ट देन अदर देन दैट यूर मैनेजमेंट ऑफ इंपेर्ड एसेट्स जितने भी करंट अपडेट्स है वो भी पूछे जा सकते हैं सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक रिलेटेड टू यूर एक्सपीरियंस ओनली आप बैंक में दो से तीन साल आपने काम किया है राइट दैट ऑल्सो यू आर नोइंग ऑल द लेंडिंग प्रैक्टिस एज वेल एज द लोन्स डिपार्टमेंट द एमएसएमई डिपार्टमेंट ओके सो ऑल दैट वॉट एवर कंसेप्ट आर रिलेटेड दीज कंसे वुड इन्वॉल्व क्रेडिट

So apart from your name, apart from your profession, what is the uh, what, what is the grim and, uh, grit and grain about that person? What is your grit and grain? So grit and grain is nothing but apart from your name, apart from your profession, what are certain things which are special about you? Yes, is personality based, DAF section detailed application form. So the questions which are asked from DAF are called as DAF questions or personality-based questions. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप अगर इंटरव्यू हॉल में आए और अगर मैंने आपको पूछा कि आपकी हॉबी क्या है सो इट बिकम्स अ डैफ क्वेश्चन देन कम्स एच आर रिलेटेड क्वेश्चन एचआर रिलेटेड क्वेश्चन आर ऑर्गनाइज ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन सो एच आर रिलेटेड क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू सिडी रिलेटेड टू योर प्रीवियस ऑर्गनाइजेशन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन सिडबी ओके वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन सिडबी ऐसे ऑर्गनाइजेशनल बेस्ड क्वेश्चन एच आर होते कैटेगरी क्वेश्चन दीज आर नथिंग बट

Uh, responses of the candidates also who have clear CDB exam. At the same time, we have also taken it from a brief uh, uh, response from the various candidates as well as uh, through our catalog. Then you could see DAF questions. You, you, personality based. So look at the first example. Member one is asking, Tell me something about yourself. So, such questions like tell me something about yourself, what are your hobbies, which are more related to your personality.

रिलैक्स होने के लिए पहला जो आप एक क्वेश्चन पूछते हो दैट इज नथिंग बट ब्रेकिंग द आइस सो और बेस्ड आर नथिंग बट इट इज जस्ट टू मेक द कैंडिडेट रिलैक्स और मे बी जस्ट टू वॉर्म हिम अप सो अपीज आर इनिशियल क्वेश्चन विच आर फर्स्ट इंप्रेशन पहला क्वेश्चन जो कैंडिडेट को पूछा जाएगा वो डैफ नहीं तो आपका ऑफ कोर्स पर्सनलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा वट आर डिफरेंट एक्साम्पल्स कैन यू गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यूर सेल्फ ये एक डेफ का क्वेश्चन होता है वाई आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जॉब यह एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है पर्सनलाइज्ड वाई डू यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट गैप इन यूर सीवी अगर आपके ग्रेजुएशन में बिफोर यूर जॉब भी अगर कोई गैप है तो इज वॉज दर एनी पर्पज फॉर दैट देन अदर देन दैट वन वेरी कॉमन क्वेश्चन इज वॉट आर यूर हॉबीज ये भी आपका डैफ का क्वेश्चन हो जाता है योर वन क्वालिटी दैट गिव्स यू एज ओवर अदर्स ये भी आपका डेफ का क्वेश्चन प्लीज टेलअस लिटिल अबाउट यूर सेल्फ ओके पर्सनल इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज कैरिड क्वेश्चन इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज देन वाई एंड हाउ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब ओके एंड लास्ट इज टेल एस अबाउट अ टाइम यू एग्जीबिटेड लीडरशिप स्किल एट योर यूनिवर्सिटी और एट योर वर्क और एट योर प्रीवियस जॉब ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखते हो दीज आर नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन बट रैदर योर पर्सनैलिटी तो ये आपको याद रखना होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी हॉबी क्या है सो इट इज मोर पर्सनलाइज क्वेश्चन सो दीज आर योर डेफ क्वेश्चन आई होप दैट आई एम क्लियर आफ्टर डेफ द सेकंड सेक्शन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल और एच आर रिलेटेड क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स सो दीज क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू सी वॉट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कुड सी मेंबर सेकंड मेंबर इज आस्किंग इन द पैनल वाई वुड यू लाइक टू लीव योर ओल्ड जॉब फॉर दिस जॉब

और अभी सिडबी की जो अपॉर्चुनिटी है इट्स अ लेवल अप फॉर मी सो इट्स अ वेरी गुड योर करियर रिलेटेड टू मेजर लॉन्ग टर्म गोल्स टर्म गोल्स ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स या फिर एचआर क्वेश्चन में पूछी जाती है लेट अस सी मोर मेंबर नंबर वन इन दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल विच यू आर लुकिंग एट वाई डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिडबी आप सिडबी ज्वाइन क्यों करना चाहते थे okay why you join karna chahte ho candidate is saying sir i have been very passionate about sidbi and her functioning i have deep interest in msme industries sir and i want to work closely with them sidbi being one of the largest development bank in the world will give me this opportunity that's fine suppose as here you would be having previous job experience also again the interview panel may ask to you why your uh, previous job is not able to do that then again you have to justify that then comes member 2 he's asking If you are passionate, then why didn't you join earlier? It may tell you to prove your passion. So what does ड mean? आप ऑलरेडी एक बैंक में काम कर रहे हो दो से तीन साल और अब आप सिडबी ज्वाइन करना चाहते हो अगर सही में इतने सिडबी के बारे में पैशनेट थे तो पहले सिडबी क्यों नहीं ज्वाइन किया जो कि बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है सो दीज क्वेश्चन आर देर इनको हल्के में मत लेना दीज आर ग्रिलिंग क्वेश्चन जो कि आपकी चॉइसिस और एच रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिडबी आप अपना प्रीवियस बैंक क्यू छोड़ना चाहते हो एंड अगर छोड़ना ही चाहते हो तो क्यों सिंपल देन द कैंडिडेट इज सेइंग सर आई से रिटर्न एग्जाम लास्ट ईयर ऑल्सो बट आई कूडंट क्लियर द फाइनल राउंड सो दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट वॉज देयर हु वॉज गिविंग द एग्जाम वहां पर तब रिटर्न भी था तो पिछले साल रिटर्न भी था तो इसलिए ही हैज गिवन रिटर्न बट ही कूडंट जॉइन सिड बी एंड देयर फोर ड्यू टू माई फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हैड टू जॉइन आर बी आई लास्ट ईयर बट स्टिल I was preparing for SIDB? so this shows that the candidate is genuinely interested in the organization. Okay, so two examples we understood what does HR questions are all about. Then comes the list of all the HR questions. Let's go. How can you reach your professional goals with this job at SIDB? Where do you see yourself in next five to ten years? How would you handle undue criticism from seniors? How do you deal with the difficult uh, with difficult juniors? Then why are you leaving your previous job and interested in SIDB right now? Is this your first interview, or are you preparing for any other banking or regulatory bodies? Which is a decent question related to your uh, like honesty related to a particular organization. Give me three reasons why do you want to join SIDB. your previous job experience, and in-depth questions related to the category. Now this is very very important. This year SIDB Grade 2023 exam whatever is there, interview and group discussion is there. So your interview, I think, major questions would be related to your job experience only because it is only open to profess whatever students are or candidates are there who are having professional experience in bank, financial institution, or NBFC. That also in MSME sector. So a huge amount of questions would be there. That what was your experience? What was your job profile in the last uh, last bank? What uh, what you were responsible to do? What was your JD?

टेड टू ह्यूमन रिसोर्स एच आर रिलेटेड क्वेश्चन आई होप की सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको एक आइडिया आ गया कि एक्चुअली एच आर में वो कर क्या रहे आपकी ऑनेस्टी जेन्यूनसिएटिव well आपका इनिशियन क्यू है सिरफ वट इज यूर ड्राइविंग फैक्टर और मे बी वाई आर यू इंटरेस्टेड इन सिडबी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओके अदर देन दैट वन मेन एस्पेक्ट इन दिस एच आर क्वेश्चन इज यीवियस जॉब आप प्रीवियस जॉब का आपका रोल क्या था total job description, kya tha okay. other than that, what were your responsibilities? and then every other question related to that. even interview may, most common practice, yeah, that first they start with the hr questions. they come to your previous job experience and your job role. and from that, they then go to your technical questions. now, what do you mean by this is our third section, DAF section, that is personality-based questions. second is your human resource-based questions. and third is your technical-based questions.

The loan is supposed to be for manufacturing in the industry. Is possible study of different different uh, things which have been written here. Then we see person's capability to pay the loan. And last is in case of manufacturing company, we ask for collateral. If collateral is not there, then we try to look for CGT MSE guarantee fee. So in this way, now here where candidate is giving detailed description of how to sanction or how to assess a loan proposal now the interview panel understands that definitely he knows whatever he did for two years. so this is one of the very good question which is related to technical aspect further questions let's see for example what is a feasibility uh, feasibility report again this is a technical question based on profile so feasibility report candidate is telling that it is a report which is taken into consideration by bank before approving any loan. फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी रिपेइंग कपेसिटी ऑफ कस्टमर आर सीन सो अगेन टेक्निकल थर्ड इज वॉट इज पीसीए फ्रेमवर्क एक्सप्लेन पीसीए फ्रेमवर्क एंड रीसेंट अपडेट्स बाय आरबीआई स्टार्ट से प्रॉन करेक्टिव एक्शन एक्शन एंड अपडेट्स बाय आपके क्वेश्चन टेक्निकल हो जाते हैं ठीक है एंड डू यू थिंक एमएसएमई सेक्टर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम एंड इफ एस इफ येस हाउ तो यहां पर कैंडिडेट अगेन ही इज एक्सप्लेनिंग पी एल आई स्कीम एंड हाउ इट इज बेनिफिटिंग द एमएसएमई सेक्टर सो इन धिस वे सम टेक्निकल क्वेश्चन आर देर नाव आई विल टेल यू सम क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है कि टेक्निकल क्वेश्चन में आपका नॉलेज चेक किया जाएगा वेर एज जो आपका डैफ है या फिर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड एच आर क्वेश्चन है वहां पर मोर इम्पोर्टेंटली नॉट ओनली योर नॉलेज बट यूर पर्सनैलिटी इज ऑल ऑल्सो चेक इन टेक्निकल क्वेश्चन हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिडबी जरूर करके जाना ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए ट्रिविया अबाउट द बैंक्स रेगुलेटरी बॉडीज एमएसएमई सेक्टर पूरा कवर करना ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनिंग ऑफ सिडबी हाउड सिडबी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एम एमएसएमई का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ओके okay? एंड लेंडिंग सेक्टर का भी ओके लेंडिंग पार्ट ऑल्सो यू शुड बी नोइंगो अबाउटी टर्म लोन असिस्टेंस करंट अपडेट नाउ दिसंट अपडेट वुड इंक्लूड न्यू आरबीआई सर्क्यूलर्स एनी अपडेट रिलेटेड टू एम एस एम एक्टर रेगुलेटरी बॉडीज में जितना भी बैंकिंग करंट अफेयर आता है जनरल अवेयरनेस आता है फाइनेंशियल करंट अफेयर आता है सारे टॉपिक्स

फॉर ऑल कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा तो ये सारी चीजें आपको जरूर कवर करनी होंगी एंड देन यूर प्यर जी एनरल इंटरनेशनल इवेंट अपॉइंटमेंट अवार्ड ऑनर्सोर्ट्स पीपल इन न्यूज स्ट्रेटिकाइनेंशियल करंट अफेयर ओके रिपोर्ट एंड इंडाइसिस एंड एमएसएमई के नए स्कीम्स अगर कोई भी आए हैं तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच कु Interview for CdB Grade A 2023. Now let's come to our course as I told you. Personalized interview and group discussion batch CdB grade A 2023-2024. We are here we are providing two one-on-one -on -one mock interviews with experienced professionals who are ex CB CGM, and managers and general managers. 30 years plus experience they are having. Apart from that, 10 special sessions, which are for interview and group discussion guidance also mock group discussion also we are going to take for all the candidates and apart from that we are also guide you uh, uh, are going to guide you and give you feedback that also one-on-one -on -one. okay so this is a complete package in which you can prepare for this year's CdB graded 2023 uh, preparation for all the banking aspirants out there all the professionals you can pick out some of your time and you can really use this guidance to Ace in this particular exam so thank you very much see you next time